बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली, साइकिल रैली हरिद्वार पहुंच गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजधानी दून से हरिद्वार के लिए आज सुबह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली की शुरुआत हुई थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया था। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री धन सिंह रावत, डीजीपी अनिल रतूड़ी समेत कई विधायक इस मौके पर मौजूद रहे। 55 किलोमीटर का सफर साइकिल से पूरा किया है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने साइकिल रैली का नेतृत्व किया है। उनके नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस कार्यक्रम में इस दौरान मौजूद रहे। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि भारतीय क्रिकेटर एकता बिष्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साइकिल रैली जो है वो अब हरिद्वार पहुंच चुकी है। और इससे पहले आपको बता दें कि पंतदीप पार्किंग में मेयर ने रैली का स्वागत किया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री जी को जितनी नजदीक से हमने देखा है पहचाना है, बेटियों का ये ज्ञान है कि आज मोदी जी का जन्मदिन है और आज ये सबसे प्रिय कार्यक्रम मोदी जी का, उसका ये आगे बढ़ा रही है, ये धन्यवाद की पात्र है और हम बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं और इन्होंने ये सौभाग्य दिया। देखिए मैं समझती हूँ कहीं पे भी कोई रूट जो है बाधित नहीं होगा। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उन्हें उनका रूट थोड़ा सा चेंज किया गया है, उन्हें रोका नहीं गया है, इसलिए मैं नहीं समझती हूँ किसी भी तरीके से कोई कमर्शियल नुकसान होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए रैली का आयोजन किया गया था, साइकिल रैली इसे नाम दिया गया। भारतीय क्रिकेटर एकता बिष्ट भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रही और अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साइकिल रैली जो है हरिद्वार पहुंच चुकी है। पंतदीप पार्किंग में मेयर ने इस रैली का स्वागत किया। तो सीएम पीएसआर ने साइकिल रैली को दिखाई थी हरी झंडी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने 55 किलोमीटर का सफर साइकिल से पूरा किया गया है। आप देखिए उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त सीएम त्रिवेंद्र रावत हरी झंडी दिखा करके इस साइकिल रैली को रवाना कर रहे थे और इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए साइकिल रैली आयोजित की गई, लेकिन इसी रैली के दौरान एक बेटी का ही अपमान किया गया। दरअसल साइकिल रैली के दौरान कार्यक्रम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी एकता बिष्ट को पहले तो मंच से उतार दिया गया और उसके बाद वो नाराज होकर चले गए। और कुछ देर बाद अपने संबोधन के दौरान जब सीएम ने एकता का नाम लिया तो अफसर एकता को खोजने लगे। एकता को दोबारा मंच पर बुलाया गया और इस दौरान भी उन्हें टोका गया, लेकिन फिर उन्हें मंच पर जगह दी गई। ऐसा कुछ मिसबिहेव नहीं हुआ और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप लोग को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप नाराज हो तो नहीं? नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भाई से अपने कुछ काम था तो मैं उससे कुछ कहने आई थी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सड़कों पर स्वच्छता अभियान चलाया और इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केक काटते हुए पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा के नारे के साथ शुरू किया गया अभियान सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इससे समाज में फैली गंदगी साफ हो सकेगी। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हमने सबने प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता ही सेवा है उस उपलक्ष्य में 2 घंटा आज दिन में श्रमदान करने का सुनिश्चित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर सीएम ने सफाई की और स्वच्छता ही सेवा के तहत इस सफाई अभियान किया गया था ये। और खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत को आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में झाड़ू लेकर वो स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने और सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए। भाई भाई पीछे हो जा भाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत हाफ मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार देकर उन्हें बधाई दी। सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का एक हिस्सा है कि युवा नशे को छोड़कर खेलों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसी अंदाज में युवाओं में नशे को छोड़ने की और खेलों के प्रति जागरूकता आएगी तो उत्तराखंड एक बेहतर राज्य की ओर अग्रसर होगा। बहुत बड़ी जरूरत है और हमने इन 6 महीनों में
भारी मात्रा में ड्रग्स के खिलाफ, अवैध नशे के खिलाफ काम कर रही है सरकार। बहुत बड़ी मात्रा में हमने पकड़ा भी है। और देहरादून में शहीद मेजर अहलावत को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। कोकरा असम में शहीद हुए हैं विजय सिंह अहलावत, विजय कॉलोनी निवासी थे मेजर विजय अहलावत। तो शहीद मेजर अहलावत को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कोकरा असम में शहीद हुए हैं विजय सिंह अहलावत, जिनको सीएम की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। विजय कॉलोनी निवासी थे मेजर विजय अहलावत। तो शहीद मेजर अहलावत को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने श्रद्धांजलि दी। देहरादून नगर निगम और शहरी विकास विभाग में झगड़ा सामने आया है। स्वच्छता ही सेवा है के बैनर को लेकर दरअसल विवाद हुआ। बैनर पर महामहिम की बजाय माहिम लिखा था। निदेशक शहरी विकास ने बैनर हटाया और बैनर को देखकर नगर आयुक्त रमनीत चीमा जो थी वो भड़क उठी। बोली, अब ये ना लिख देना कि निगम की गलती है, बैनर तो शहरी विकास विभाग ने लगाया है, ये कहना है रमनीत चीमा का। चुपचाप तमाशा देखती रही नगर विकास सचिव राधिका झा। किसने लगाया मैडम फिर ये? इसका पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सुदीप जैन का। सुदीप, आखिर गलती किसकी निकल कर सामने आई, क्योंकि देहरादून नगर निगम और शहरी विकास निगम में झगड़ा देखने को मिला है बैनर को लेकर के। सुदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से बता दें कि देहरादून नगर निगम और शहरी विकास विभाग में दरअसल झगड़े की तस्वीरें सामने आई है। स्वच्छता ही सेवा है के बैनर को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ है। दरअसल जो बैनर था उस बैनर पर महामहिम की जगह बताने की माहिम लिखा हुआ था। निदेशक शहरी विकास ने इस बैनर को हटा दिया। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता सुदीप का। सुदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देहरादून नगर निगम और शहरी विकास विभाग में झगड़ा सामने है बैनर को लेकर के, क्या अब ये विवाद सुलझा और गलती आखिर किसकी रही इसमें? जी देखिए, पूरी तरीके से विफलता नगर निगम की है, क्योंकि शहरी विकास विभाग मुखिया है और उसी के अधीन सारे नगर निगम होते हैं। पूर्व में राज्यपाल का प्रोग्राम प्रस्तावित था, लिहाजा सारी चीजें सुनिश्चित कराना नगर निगम का काम था। स्थान उनका था, आयोजन उनका था, शहरी विकास चूक विभाग में बड़ा है, लिहाजा वो कोऑर्डिनेट के लिए आया था। लेकिन इस मौके पे भी रवनीत सीमा अपने आप को एक्टिंग दिखाने में नहीं पा जाई, जो उनकी आदत है खुद को पाक साफ साबित करना और खुद को बहुत बड़ा चलाकर पेश करना। जबकि उनके निदेशक विभाग के खड़े हैं, उसके सामने भी वो लड़ने को तैयार है कि अभी देख लो नगर निगम की नहीं इनकी गलती है। क्या इस तरीके की सरकारी विभाग के अफसरों में बातचीत होनी चाहिए क्या? क्या एक नगर आयुक्त को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्या, जबकि उनकी विभागीय सचिव राधिका झा स्वयं वहां मौजूद है? तो बताने के लिए काफी है कि जिस प्रधानमंत्री जी का सपना सफाई को लेकर है, उस राज्य की राजधानी में नगर निगम में नगर आयुक्त और उनकी टीम पूरी तरह फेल है। भाजपा सरकार होने के बावजूद भी स्थिति नहीं सुधर रही है और कांग्रेस राज्य के अफसर आज भी विद्यमान है, जिसका एक बड़ा नमूना ये सामने आया है। जी चलिए सुदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई अभियान चलाया। अजय भट्ट ने ऐतिहासिक घंटाघर में सफाई की। पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई अभियान चलाया, अजय भट्ट ने ऐतिहासिक घंटाघर में सफाई की है। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि पीएम के जन्मदिन पर किस तरीके से स्वच्छता अभियान कार्यक्रमों का जगह जगह पर आगाज किया गया है आज। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान सफाई अभियान चलाया। अरे भाई, अरे पानी फेंका जा रहा है ये। हाय, देहरादून में विधायक हरजान दास ने अधिकारियों की क्लास लगाई। सड़कों पर फैली गंदगी देखकर भड़के विधायक, मौके पर ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों की जिम्मेदारी समझने की हिदायत देते हुए भी नजर आए। तो सड़कों पर गंदगी फैली देखकर विधायक भड़क गए और बता दें आपको कि मौके पर ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझने की भी हिदायत दी। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर खरा उतरी है। सीएम के अनुसार पिछली सरकार में जितने मामले सामने आए उन पर एसआईटी जांच शुरू की गई है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। मैंने हमने संकल्प लिया था कि हम करप्शन के खिलाफ
हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की होगी और हम अपनी उस नीति पर कायम रहे हैं। तमाम जहां पर इस तरह के पुरानी ही घटनाएं अभी तक सामने आई हैं उन पर हमने SIT बिठाई है, कुछ दिनों में उसके परिणाम भी आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 19 सितंबर से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार के साथ साथ मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड अमित शाह के सामने पेश करेंगे। वहीं मंत्रियों के अनुसार अमित शाह मार्गदर्शक का काम करेंगे जिससे आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। अमित शाह जी का पूरे देश व्यापी दौरा चल रहा है और वो बूथ स्तर पर जा रहे हैं, हर प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में वो और रह रहे हैं और उस प्रदेश में कार्यकर्ताओं को उत्साह को बढ़ाने में, उस प्रदेश में अगर हमारे प्रदेश में सरकार है तो सरकार की गति तेज हो, जनहित में हो, उसको मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि अमित शाह जी का दौरे से उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय विधायकों से भी बात करनी है, माननीय मंत्रीगणों की भी बैठक उन्होंने लेनी है और कुल मिलाकर के हमने जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके दृष्टिकोण को रखते हुए हमने अपनी क्या कार्य योजनाएं बनाई हैं उसकी विस्तृत जानकारी वो लेंगे। हरिद्वार स्थित बड़ा उड़ासीन अखाड़ा के कोठारी और साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत मोहनदास हरिद्वार से ट्रेन से मुंबई जाते वक्त रास्ते से लापता हो गए हैं। मोहनदास 15 सितंबर की रात को ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। मोहनदास का मोबाइल भी बंद है और वो मुंबई भी नहीं पहुंचे हैं। मोहनदास के लापता होने से साधु संतों में हलचल मची हुई है। पुलिस की टीमें मोहनदास की तलाश में तेजी से लगी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अनुसार जब से अखाड़ा परिषद ने फर्जी साधुओं की सूची जारी की है मोहनदास को धमकियां मिल रही थी। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। भारतीय अखाड़ा परिषद के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे श्री महंत मोहनदास जी महाराज और बड़े उदासी खड़े के कोठारी पद पे थे। अच्छे महात्मा हैं, उनका अपहरण या इस तरह से गायब हो जाना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से जो हमने लिस्ट निकाली फर्जी बाबाओं की उनके बाद धमकी भी आई थी, हमारे पास भी आई, उनके पास भी आई, हमको बताए भी, मगर डरने की जरूरत नहीं, लिस्ट निकाली जाएगी। बड़ा अखाड़े के महंत मोहनदास जी ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो बीच रास्ते से गायब हो गए, तो जब यहाँ की जानकारी की गई तो ये पता चला कि 16 तारीख को मतलब जाना उन्हें 15 तारीख को था और लोकमान्य तिलक ट्रेन से जाना था और जो डिले होने की वजह से रात को 2:30 बजे करीब 16 तारीख को चली है और कल शाम 8 बजे करीब जब उनके जानने वाले उनको खाना देने के लिए ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में नहीं थे। और इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष का। आशीष, क्या अपडेट, कुछ पता चल पाया या नहीं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? निदा, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने बकायदा 2 टीमें बनाकर लोकमान तिलक यानी मुंबई और भोपाल, जहां पर चूंकि इनको खाना देने के लिए किसी जानने वाले को ट्रेन में आना था वहां के लिए रवाना कर दिया और एक टीम जो अभी भी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली है दिल्ली भी रवाना हुई है, क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन होते हुए स्टेशन होते हुए जाती है। तो ऐसे में पुलिस हर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। खुद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी आज वहां पर आश्रम में पहुंचे, उन्होंने बकायदा सब चीजों का जायजा लिया कि आखिर की कहां जा रहे थे, वो क्यों जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर की रहस्यमय प्रतिष्ठियों को कहां लापता हो गए, परसों यहां हरिद्वार से चले थे और कल से उनका बकायदा नंबर भी बंद जा रहा है, तो ऐसे में आखिर की गए कहां है वो, ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि पुलिस ने बकायदा जो है यहां पर 3 टीमें यहां पर रवाना भी कर दी है लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है, मोबाइल उनका स्विच ऑफ आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो सभी संत हैं, चाहे वो अखाड़ा परिषद हो या दूसरे अखिल भारतीय संत समिति हो, संतों में भी एक संतों में भी खासी जो है उनको कम से कम जल्दी वो आए। और वरिष्ठ संत थे अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता थे, अखाड़ा परिषद की अगर हम बात करें आशीष, तो वो और साथ ही पुलिस किस एंगल से जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि लगातार जब से फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी हुई थी तब से धमकियां भी मिल रही थी। बिल्कुल, इनको इससे पहले भी धमकियां मिली थी, खुद नरेंद्र गिरी ने जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उनको भी धमकियां मिली थी और राष्ट्रीय प्रवक्ता इनको भी धमकियां मिली थी, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता है कि भगवान न करे कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हुई हो, लेकिन जो पुलिस है सभी पहलुओं और बकायदा जांच कर रही है, इनके मोबाइल नंबर को बकायदा ट्रेसिंग तो लगाया गया है कि आखिर इनसे किन किन से बात हुई, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और 3 टीमें जो रवाना हुई है वो भी इसी क्रम में हुई है। नेरा जी, साथ ही एक चीज और जानना चाहेंगे आशीष, जिस तरीके से धमकियां भी मिल रही थी, जान को खतरा भी बताया जा रहा था, तो क्या ऐसे में महंत मोहनदास जो है क्या वो अकेले ही सफर कर रहे थे या उनके साथ उनके साथी भी थे?
नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो अकेले सफर कर रहे थे, लेकिन पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि अगर उन्हें मुंबई जाना था तो इससे पहले भी जब भी वो मुंबई जाते थे तो यहाँ से जौली ग्रांट हवाई अड्डे से बकायदा हवाई यात्रा के जरिए जाते थे, लेकिन पहली बार जो है बकायदा उन्होंने ट्रेन का प्रयोग किया वहां जाने के लिए, तो ऐसा क्यों किया? क्या कोई पहले से कोई बात थी या कहीं खुद वो कहीं खुद उन्होंने अपने आप को कहीं लापता करवा लिया या कोई और दूसरे कारण है? तो पुलिस बकायदा सभी पहलुओं पर पूरे मामले की पूरी गहनता से जांच कर रही है। जी बिल्कुल, चलिए आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पुलिस की एक टीम मुंबई, एक टीम दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। बढ़ेंगे आगे। टिहरी शरारती तत्वों ने बाजार में खड़ी बाइक में आग लगा दी। घटना के विरोध में व्यापारियों ने जाम लगा दिया। एक दिन पहले भी एक घर में आग लगाने की कोशिश की थी। बाजार में पुलिस रात में नहीं गश्त लगाती, यहाँ पर टिहरी के लमगांव बाजार की ये घटना है। तो घटना के विरोध में आपको बता दें यहाँ पर जाम लगा दिया गया। एक दिन पहले भी दरअसल घर में आग लगाने की कोशिश की गई थी। तो बाजार में पुलिस यहाँ पर रात में गश्त नहीं लगाती है। बता दें आपको टिहरी का ये मामला है जहाँ पर लमगांव बाजार की ये घटना है। हल्द्वानी के आर्मी कैंट एरिया में सैन्य भर्ती मेले का 8 अक्टूबर को आयोजन किया जा रहा है। सैन्य भर्ती मेले की तैयारी के लिए अधिकारी जुट गए हैं। इस सैन्य भर्ती मेले में हजारों अभ्यर्थियों के पहुंचने की उम्मीद है। इसकी तैयारियों के लिए आगामी 23 सितंबर को बैठक की जाएगी और 23 सितंबर तक भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं कुमाऊं के 6 जिलों की अलग अलग दिन शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद लिखित परीक्षा होगी। कर्नल विनेश नायर ने सैन्य भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से अपील की है कि दलालों से सावधान रहें, जो कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। सारे कुमाऊं रीजन के जो युवक है उनके लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि कुमाऊं रीजन की जो भर्ती है वो 8 से 13 अक्टूबर के बीच में होगी। 8 तारीख को बागेश्वर की होगी, 9 को अल्मोड़ा की होगी, 10 तारीख को उधमसिंह नगर, 11 तारीख को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की होगी, 12 को पिथौरागढ़ और 13 तारीख को चंपावत की होगी। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने स्कूलों को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। नगर निगम सभागार में शिक्षा विभाग और स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रबंधकों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्कूलों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की नसीहत दी गई। अभी हाल की जो है गुरुग्राम की घटना के बाद जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी स्कूलों के साथ बैठ के एक बैठक कर ली जाए, सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों के आवागमन के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस संबंध में सभी स्कूलों के प्रबंधक और उनके प्रिंसिपल या स्कूल के अन्य जो टीचर्स हैं वो लोग आए थे। SP साहब थे, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM सभी हमारे अधिकारीगण भी थे और सभी से जो है जैसे CCTV है आपके, जो उनके कर्मचारी हैं उनका चरित्र प्रमाण पत्र, उनके हाव भाव, मतलब उस पर वो निगाह रखें।